हेलो फ्रेंड्स, मैं संपत कीर स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल घरब्रिक्स.com में। आज एक स्पेशल प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हूं। नॉर्मली शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और क्राउडेड एरिया में लोग काफ़ी पजड़ रहते हैं और गार्डन और खुली जगह के लिए हर आदमी तलाश में रहता है, तो आज मैं आपकी वो जो तलाश है वो पूरी कराने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऐसा एक मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो पार्क फेसिंग है और ईस्ट फेसिंग है, और सबसे बड़ी बात है इसमें 40 फीट रोड भी आपको मिल जाता है। जैसा आप देख रहे होंगे, पूरी गेटेड टाउनशिप है जिसमें लाइन से विला बने हुए हैं। टोटल यहाँ पे 12 विला बनाए गए हैं और सामने 40 फीट रोड दिया गया है। उसी के साथ साथ देखिए सामने आगे पार्क भी मिल जाता है। ये JDA से प्रोवाइड किया गया पार्क है जो आपको पूरी फैसिलिटी दे सकता है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखते हो तो इसमें JDA से अप्रूवल है, तो 85 से 90% तक ये सारी प्रॉपर्टी लोनेबल है। साइज़ की अगर बात करें तो इसमें आपको 83 गज से लेकर 111 गज तक की साइज़ इसमें मिल जाती है, और 3BHK से 4BHK दोनों तरह के पैटर्न आपको इसमें मिल जाते हैं। आज जो मैं आपको रिव्यू कराने वाला हूँ, ये 83 गज का विला आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहें, पूरी डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे, रेट और साइज़ क्या है और क्या क्या चीज़ें हम दे रहे हैं। आइए एक बार आप ये वाला जो विला आप देख रहे हैं, ये 83 गज में बनाया गया है, 15x50 इसका डायमेंशन है और फुल फर्निश सेगमेंट में तैयार करके दिया गया है। अगर आपको सेमी फर्निश वाला मॉडल चाहिए तो इसमें नेक्स्ट जो विला है उनमें सेमी फर्निश मॉडल भी आपको मिल सकता है। ये सैंपल रेडी हैं और इनमें से 2-3 विला ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। सबसे पहले जैसे आप एंट्री लेते हो, देखिए रैंप एरिया की बात में आपको बहुत बढ़िया आयरन में तैयार किए गए टफन ग्लास के साथ गेट मिल जाते हैं, और जैसे ही आप एंट्री लेते हो आगे मिल जाती है आपको बड़ी प्यारी सी पार्किंग, और यह मिल जाता है वाटर टैंक का प्रावधान। और इधर वाले पार्ट में अगर आप देखते हो तो ये मिल जाती है आपको बाइक वाली पार्किंग, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल एंट्री वाला विला है और इसके अंदर आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं। सबसे पहले जैसे आप एंट्री लेते हैं, देखिए आपको डोरमेस मिल जाता है और यहाँ आपको मजबूत एक गेट मिल जाता है, वुडन में तैयार करके दिया गया है, और वेंटिलेशन और लाइट के लिए आपको बेगैर ग्रिल और ग्लास का वर्क करके दिया गया है। यहाँ पर है बड़ा प्यारा सा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सबसे पहले देखिए सेटिंग अरेंजमेंट, सोफा लगाई दिया गया है, 7-सीटर सोफा आपको इसमें दिया गया है सेंटर टेबल के साथ, और इधर वाले पार्ट में आप चाहें तो आप डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। और लेआउट की अगर बात करें तो इसमें देखिए एज पर वास्तु सारी चीज़ें तैयार करके दी गई है। सामने देखिए आप ईस्ट फेसिंग है तो इसका जो अग्निकोण है वहां पर किचन मिल जाता है, यहाँ पे किचन में आपको चिमनी मिल जाती है, चूल्हा मिल जाता है, उसी के साथ साथ प्रॉपर स्टोरेज मिले हुए हैं। फिटिंग जितनी भी दी गई है वो सब सेरा की फिटिंग इसमें दी गई है आपको, और फ्रिज अगर आप लगाना चाहें तो फ्रिज के लिए एक सेपरेट जगह है। तो एक अच्छी साइज में डिसेंट किचन इसमें आपको बना के दिया गया है जो नॉर्मली हर फैमिली की डिमांड होती है। अब हम इसका देखते हैं बाकी पार्ट। यहाँ देखिए स्टेयर्स का काम देखिए आप, स्टेयर्स में SS और टफन का वर्क करके दिया गया है, और ग्रेनाइट में आपको इसमें स्टेप दिए गए हैं। उसी के साथ साथ देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये LED पैनल आपको मिल जाता है, इसमें आपको TV लगा के दिया गया है और प्रॉपर स्टोरेज मिल जाते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज है जिसमें आपको इन्वर्टर वगैरह लगाना हो या कोई भी एक्स्ट्रा सामान रखना हो उसके लिए पूरा स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अच्छी प्रॉपर्टी है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये जो लोकेशन है ये जयपुर में जो वैशाली नगर है और जो अजमेर रोड है उसके नियर बाई ये प्रॉपर्टी होने वाली है। आप यहाँ पे आना चाहें तो जो आपका गांधीपथ है, किंग्स कोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ से ये पास पड़ता है। उसके अलावा अगर कमला नेहरू नगर है अजमेर रोड के पास में, वहाँ से ये नियर बाई ये लोकेशन है। इसमें आपको वॉशरूम की बात करें तो टोटल इसमें 3 वॉशरूम है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये 2-वे है, हॉल से भी कनेक्टेड है और जो उधर बेडरूम है उससे भी ये कनेक्टेड है। ये है इसका बेडरूम नंबर 1, बहुत डिसेंट और बहुत क्लासिकल थीम पे तैयार किया गया है। देखिए बेड बैक फुल वॉल तक वॉलपेपर और कुशन का वर्क इसमें मिल जाता है, बेड के दोनों तरफ आपको टेबल बना के दी गई है, और सामने देखिए मिल जाता है बड़ा प्यारा सा LED पैनल, यहाँ आप अपना TV इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए इस साइज में अगर आप देखते हो तो बड़ी अच्छी साइज में आपको वार्डरोब मिल जाती है फुल हाइट तक, और इधर मिल जाता है आपको ड्रेसिंग एरिया, और इधर है बैकयार्ड एरिया। इस बेडरूम में
पीछे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एक बैकयार्ड एरिया भी मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको किचन, लिविंग डाइनिंग एरिया और एक बेडरूम मिलता है। उसी के साथ साथ अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं विद अटैच वॉशरूम। आइए आप, जेडी से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85% से 90% तक ये लोनेबल है। डिमांड की अगर बात की जाए तो इसकी जो डिमांड प्राइस है वो है, फुल फर्निश अगर आप लेते हैं तो 95 लेख है और सेमी फर्निश अगर आप लेते हैं तो 90 लेख है। 90 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है सेमी फर्निश में। आज हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर वाले एरिया में। यहाँ देखिए 3 सीटर काउच ऑलरेडी बना के दिया गया है और दीवार पे वॉलपेपर का और लाइटिंग का बहुत खूबसूरत वर्क आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। ये है इसका बेडरूम नंबर सेकेंड। काफ़ी अच्छी साइज में यह बना के दिया गया है। इसमें भी देखिए आप, बड़ा अच्छा वर्क करके दिया गया है। बेड सारे हाइड्रोलिक है जो यहीं तैयार करके दिए गए हैं। वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया, बेड बैक, साइड टेबल सारी चीज़ें मिल जाती है। इसी के साथ साथ इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छी साइज में अटैच वॉशरूम है। वेस्टर्न सीट के साथ ये मिल जाता है। फिटिंग जितनी भी है वो सब सेरा की फिटिंग है। यहाँ पे ड्रेसिंग और वार्डरोब का प्रावधान है। और आगे वाले एरिया में चलते हैं, बेडरूम नंबर थर्ड पे। ये भी काफ़ी अच्छी बड़ी साइज में आपको मिल जाता है। इसमें भी देखिए बड़ा प्यारा सा खूबसूरत बेड और पूरी फुल हाइट तक बेड बैक तैयार करके दिया गया है। वुडन और वॉलपेपर का बड़ा खूबसूरत वर्क इसमें दिया गया है। इधर देखते हो तो आप LED पैनल करके तैयार करके दिया गया है। और इसमें मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा बड़ी साइज में ड्रेसिंग एरिया और अटैच वॉशरूम। ये एज ए मास्टर बेडरूम आप इसको यूज कर सकते हैं। और आगे मिल जाती है एक बड़ी किंग साइज आपको बालकनी। इस बालकनी में भी आपको ग्रास का वर्क करके दिया गया है। आप इवनिंग के समय आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। सामने देखिए बड़ी अल्टीमेट फीलिंग है। 40 फीट रोड है, उसके बाद गार्डन है और फुल क्राउडेड और भरी हुई कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है। और ये जो विला है ये 12 विला लाइन से बने हुए हैं और एक गेटेड कॉन्सेप्ट है। तो ये एजे आप अगर आपको चाहिए कि गेटेड कॉलोनी में अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना घर लेना है तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और वैशाली नगर और अजमेर से बिल्कुल नियर बाई है ये विला। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।